किस चीज़ की शुभारंभ की गई है? देखिए, कोरोना काल में जब काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा ये इच्छा जाहिर की गई थी कि हम लोग महाबोधि मंदिर को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, और क्योंकि हम फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं, और उस टाइम में एक हम लोगों को आवश्यकता प्रतीत हुई कि एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि जो डोनर्स हैं या तो अगर आते हैं तो यहाँ पे भी कर सके, और अगर नहीं आ पाते और उनकी कई बार मान्यताएँ होती हैं, श्रद्धाएँ होती हैं मंदिर के प्रति और अन्य विषयों पर, तो वो अपना डोनेट करना चाहते हैं मंदिर के नाम पे और विभिन्न कार्यों पर। उसलिए एक व्यवस्था दी गई है जिसमें कि ऑनलाइन डोनेशन विभिन्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पेमेंट के, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोनपे हो, पेटीएम हो या भारत और रुपये जो भी है, और विभिन्न कार्ड्स के माध्यम से, जो स्वाइप के माध्यम से या ऑनलाइन जो पेमेंट सिस्टम होते हैं उसके माध्यम से लोग महाबोधि मंदिर के पक्ष में स्वेच्छा से डोनेट कर सकेंगे। साथ ही में एक सहजता दी गई है, जो यहाँ पर जो आते हैं श्रद्धालु आते हैं, कई बार उनके पास कैश नहीं होता है, कई बार उनके पास उतना कैश कैरी भी नहीं करते हैं, कई बार वो शॉर्टेज भी होता है, या फिर कई बार वो एक डोनेशन के साथ ही कुछ एक अपना रिसीविंग भी रखना चाहते हैं, तो ऐसे व्यवस्था के लिए यहाँ पॉस मशीन भी रहेगी जिसको कार्ड के माध्यम से डोनेट कर सकेंगे, और इस तरह के आइकॉन्स पूरे मंदिर में रहेंगे या बाहर रहेंगे जहाँ पर लोग स्कैन करके कर सकेंगे, और करने के बाद उनके पास एक रिसीविंग भी रहेगी जो डोनेट होंगे महाबोधि मंदिर के नाम पर, उनको एक बेसिक उनको एक इंटीमेशन आएगा कि आपने डोनेट किया है। मेरा लोगों से अनुरोध होगा कि ये जो पूरा आप डोनेट करते हैं वो इस मंदिर के विकास में ही जाता है, और साथ में इस मंदिर के साथ साथ आसपास जो विभिन्न नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए भी इसमें समय समय पर समिति के द्वारा जो निर्णय होता है उसमें जाता है, और हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का प्रयास किए हैं, और इसमें मैं विशेषतः HDFC बैंक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है, और उसमें ये सभी तरह के ये कन्वर्जेंस किए गए हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज़ करें, पूरी तरह से ये सेफ़ है और आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा, और ये महाबोधि मंदिर को और बेहतर बनाने में आपकी तरफ से। नाम शबनम परवीन है, ग्राम टेलीकोशिकमा थाना मोहनपुर जिला गया, और मैं दिव्यांग जनता स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष हूँ, और मैं जीविका के तहत से RCET में जाकर प्रशिक्षण ली। प्रशिक्षण लेने के बाद मुझे हौसला हुआ है, उसके बाद फिर समूह में आई, समूह से कुछ ऋण ले करके उसके बाद मैंने टाटा जमशेदपुर गई। वहाँ पर जाने के बाद रो मटेरियल साँचा वगैरह जो भी है मैंने वहाँ से लाए, लाने के बाद बनाया, बनाने के बाद एक दुकान किए, दुकान में मेरे उद्घाटन किए गए, बैंक का स्टाफ, जीविका स्टाफ, RCET स्टाफ सभी आए थे और उद्घाटन भी किए थे और खरीदारी भी किए थे। खरीदारी में भी मेरा इनकम हुआ था और धीरे धीरे हौसला बन मैंने आगे भी बढ़ी, आगे बढ़ते बढ़ते ही, और मुझे और खुशी हुई कि और कुछ आगे करेंगे तो और इनकम होगी, और 2018 में मैंने प्रशिक्षण ली थी RCET में, और उसके बाद जहाँ जहाँ से मेरी ऑर्डर आती है वहाँ वहाँ मैंने अपना टेंडर या मिक्सर ये भी करती हूँ, सेल भी करती हूँ। सुबोध कुमार, पंजाब नेशनल बैंक गया मंडल का मंडल प्रमुख हूँ। ऑल ओवर इंडिया से दिव्यांग जो ट्रेडीज थे RCET के तहत जो ट्रेनिंग किए गए, और उनकी उपलब्धियाँ के तहत जो उनमें सेलेक्टेड 9 सेलेक्टेड जो अवार्ड देने का अवसर था, और मुझे इस गया से RCET गया से चुनी गई शबनम परवीन को अवार्ड देने का मौका मिला, ये मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में केवल 9 ऐसे कैंडिडेट थे, दिव्यांग कैंडिडेट, जिन्होंने RCET से ट्रेनिंग लेकर अपने रोजगार को बढ़ाया है और अपना कमाई को भी बढ़ाया है, और लोगों में अपने ग्रुप को बढ़ाने में आगे बढ़ रही हैं। हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं, थैंक यू। मैं सुमित कुमार, निदेशक पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान गया का निदेशक। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नरबाज जो RCET से विभिन्न जगहों के RCET से ट्रेनिंग ली हुई
दिव्यांग अभ्यर्थियों का पुरस्कार समारोह है। इसमें पूरे बिहार से एकमात्र शबनम परवीन आरसीटीसी शबनम परवीन जो कि इटवा ब्लॉक से आती हैं उनको एमओआरडी की तरफ से ये दिया गया है। ये जीविका के सदस्य भी हैं और समय समय पे आरसीटी को भी काफ़ी इन्होंने मदद किया। जब कोविड का पहला चरण था और मार्च में आरसीटी ने मास्क का वितरण अभियान चलाया था तो पहली महिला जो साथ मिलकर अपने सहयोगियों के साथ मास्क वितरण में मास्क बना करके काफ़ी सहयोग दिया है। इनके उज्ज्वल उत्तरोत्तर उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। And press the bell icon.